we're focusing on a platoon level exchange where we brought one infantry platoon and the Bangladesh has an infantry platoon. And we focused on certain tasks, counter ambush, react to IED, convoy security and traffic control. Assalamu alaikum viewers, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। अमेरिका जी हां अब बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। एक टाइम तो ऐसा था जब अमेरिका बांग्लादेश के ऊपर सेंक्शंस की बातें कर रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, ऐसा अचानक क्या हो गया कि अमेरिका अब चाहता है कि बांग्लादेश के साथ मिलकर जो उसकी आर्मी है वो एक्सरसाइज करे और बांग्लादेश के साथ मिलकर उसकी जो आर्मी है, अमेरिकन आर्मी और बांग्लादेशी आर्मी, यानी ये जॉइंट जो एक्सरसाइज होती है ड्रिलिंग की, वो इकट्ठी करें। आखिर क्यों ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब जानना है तो आपको ये वीडियो भी देखना पड़ेगी और फिर मैं आखिर में इस वीडियो के आपको बताऊंगा कैसे ईरान और बांग्लादेश की जो नेवी ऑफिसर्स हैं बे ऑफ बंगाल में, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो वो एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, वो पिक्चर जैसे ही वायरल हुई उसके फौरी बाद अमेरिका को लगा कि देखें ईरान जो हमारा दुश्मन है, ईरान जो हमारे खिलाफ है, वो अब देखें बांग्लादेश के कितना करीब हो चुका है। ये चीज़ अब अमेरिका को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और अमेरिका ने जो एक बार तो वो सेंक्शंस की बातें कर रहा था, धमकियां लगा रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन वो अचानक बांग्लादेश की आर्मी के साथ उसने एक्सरसाइज करने शुरू कर दी है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है बांग्लादेश की, यानी अमेरिका जैसी जड़ी सुपर पावर है वो अब घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि बांग्लादेश ने पीछे हटा, बांग्लादेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बांग्लादेश ने ये नहीं सोचा कि अमेरिका अगर नाराज़ हो जाएगा तो फिर हमारा क्या बनेगा, उसने ये चीज़ नहीं सोची और उसने ये तहिया कर लिया कि भाई जो मर्जी हो जाए हम नहीं मानेंगे, जो मर्जी कर लें हम खड़े हुए हैं, जो मर्जी कर लें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो इसके ऊपर जनाब एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। We're focusing on a platoon level exchange where we brought one infantry platoon and the Bangladesh has an infantry platoon, and we focused on certain tasks, counter ambush, react to IED, convoy security and traffic control checkpoints. ये जो बांग्लादेश आर्मी है और अमेरिकन आर्मी मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। Mission area or in the deployment area, our first mandate is protection of civilian. So to protect the civilian in the deployment area, we establish checkpoint in the roads or in nearby any kind of like market or somewhere where we can check the personnel or vehicles so that human trafficking or drug trafficking or arms trafficking, those can be taken care of and the local civilians, they are protected. This is particularly aimed at developing interoperability and mutual understanding between the forces in a peacekeeping environment. So this year we have particularly focused at platoon level tactics, techniques and procedures. Yeah, I want this cleared before we finish that. Roger. Hands up, hands up, hands up, hands up.
One of the most powerful things I've witnessed here was just the casual interaction between our soldiers and the Bangladesh soldiers. So even when there's no tasks going on, there's some downtime, it's nice to see some of our soldiers interact with them, laugh, joke, share patches. That right there, that's our foundation of our friendship with Bangladesh. And if we can continue to foster that at the tactical, operational, strategic level, at the end of the day, those are the goals we want to accomplish with Bangladesh as our state partner. तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बांग्लादेश आर्मी और अमेरिकन आर्मी मिलकर ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, और यही वजह है कि जो बांग्लादेश है उसने अपने मौक़िफ के ऊपर एक अपना स्टांस जो होता है उसमें खुलकर उसने कहा कि देखें कि हम इस ईरान के साथ खड़े हुए, जब इसराइल और फ़लस्तीन फिर ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ उसमें वो पीछे नहीं हटा। यही वजह है कि अमेरिका ने उसके ऊपर नाराज़गी तो शो करवाई थी, लेकिन आज देखें कि अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है, उसकी आर्मी है, वो मजबूर हो गई कि बांग्लादेश की आर्मी के साथ मिलकर वो उनके जो ट्रूप्स हैं वो आएँ और एक्सरसाइज करें। आपने ये वीडियो देखी है, इसके बारे में आपने बताना है कि कैसे जनाब बांग्लादेश की जो प्रोफेशनल आर्मी है वो मिलकर उनके साथ एक्सरसाइज कर रही है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।